सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर के आह्वान पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट परिसर में बाहर स्थानांतरण के विरोध में गुरुवार को अंबेडकर चौक पर अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष वकीलों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के मंत्री अजय शुक्ला सिविल कोर्ट के नेतृत्व में वकीलों ने अंबेडकर चौक पर एकत्रित हो अपनी मांगों के लिए न्यायिक कार्यों से विरत होकर धरने पर बैठे रहे। इस अवसर पर गोरखपुर से बात करते हुए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के मंत्री अजय शुक्ला और अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा, हम लोग के इस प्रशासन के कुत्सित प्रयास जो न्यायिक व्यवस्था को हमेशा हतोत्साहित करना चाहती है, उसी क्रम में मोटर दावा दुर्घटना ट्रिब्यूनल ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया जहां कार्य करना सामान्य जन के लिए काफ़ी कठिन है। उसी के लिए हम लोग, उसी के एक मांग के लिए हम लोग काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीएम महोदय से, अपने जनपद न्यायाधीश महोदय से, एजे महोदय से, जो प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं, मिलने का कार्य किया। सबके द्वारा आश्वासन मिला, सबने यह बात मांगी कि जिस कार्य को 16 न्यायाधीश करते थे उस कार्य को मात्र एक व्यक्ति को सौंप दिया गया है, जिसका जो इस पूरे व्यवस्था के सस्ता सरल और सुलभ न्याय देने की मंशा को विफल कर रहा है। उन्हीं सब मांगों के, आश्वासनों के पूरा न होने के कारण हम लोग दिनांक 17/9/19 को अपनी आम सभा की एक बैठक बुलाए और उस बैठक बुला करके उसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक हम लोग अब ये सारी मांगे मांगने को तैयार नहीं है तो हम लोग एक न्यायिक कार्य से विरत रह करके अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष धरना देने का और सांकेतिक रूप से रास्ता बंद करने का कार्य करेंगे। उसी क्रम में हम आज 17 तारीख से यहाँ धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। कल प्रेस के माध्यम से एक छोटी सी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण की स्थापना सिविल लाइन के ही परिसर के ही परिक्षेत्र में कर दी जाएगी, परंतु हम अधिवक्ता बंधुओं को, हमारे सम्मानित सदस्यों को इस बात की किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण हम आज पुनः आंदोलित हैं और अपनी एक जनरल बॉडी की बैठक बुला करके उसमें यह निर्णय लिए कि जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह से अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष अपनी मांगों के लिए धरना और प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम लोग मोटर दावा प्राधिकरण यहाँ पे खुला है और पूरे प्रदेश में इसकी स्थापना हो रही है। पहले ये हमारे कैंपस में ही देखा जाता था सिविल कोर्ट के, लेकिन बाद में ये हो गया कि न्यायाधिकरण की अलग बिल्डिंग होगी और वहाँ पर ये दावे निस्तारित किए जाएंगे। हम लोगों ने मांग की कि ये हर जिले में, इधर अगल बगल के जिले हैं, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, जहाँ भी है वहाँ के जिलाधिकारियों ने ये व्यवस्था की है कि न्यायालय के बगल में ही उनको स्थान आवंटित किया है, लेकिन हमारे आरटीओ और जिलाधिकारी के साझा षड्यंत्र से इसको ले जा करके दूर तारामंडल क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया है, जहाँ बिल्कुल आवागमन का कोई सुविधा ही नहीं है। तीन तरफ से वो पानी से आच्छादित है बरसात के दिनों में और वहाँ पर बूढ़े, बच्चे, विकलांग जा ही नहीं सकते, विधवाएं जा ही नहीं सकती। तो ऐसे में हमारे सामने ये हम प्रश्न कि आखिर इन बाधकारियों की लड़ाई कौन लड़े? वो स्वयं तो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए अधिवक्ता समाज आगे आया कि इनके लिए जिस न्यायाधिकरण की स्थापना हो रही है वो दीवानी न्यायालय परिसर के बगल में रहे ताकि आवागमन की सुविधा रहे और कनेक्टिविटी बनी रहे। उन मूलभूत सुविधाओं का भी वहाँ अभाव है,
न तो कोई शौचालय है, न तो पेशाब करने की जगह है, न गाड़ियाँ खड़े करने की जगह है। ऐसे में हम लोगों ने जिलाधिकारी को अप्रोच किया, अपने जिलाधीश महोदय को अप्रोच किया और सबने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। बाद में एक स्थान चिन्हित करके हमको बताया भी गया, लेकिन वो भी छलावा साबित हुआ और एक महीने बताए गए, उस स्थान को भी आज तक आवंटित नहीं किया गया। जबकि दीवानी न्यायालय परिसर के अगल बगल 50 ऐसे भवन हैं जिसे DM चाहे तो हमको आवंटित कर सकते हैं, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमें मजबूर किया कि हम सड़क पर आएँ। हम पिछले 4 दिनों से यहाँ सड़क का घेराव कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई जिम्मेदार आदमी, ADM स्तर का भी जिम्मेदार आदमी, पुलिस का भी कोई जिम्मेदार अधिकारी हम लोगों के पास न तो हमारे आंसू पोंछने आया और न इसका हालचाल जानने आया। पिछली रात को जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ के एक समाचार पत्र दैनिक जागरण को फोन करके बता दिया कि हमने एक भवन का आवंटन कर दिया है, लेकिन इस संबंध में न तो उन्होंने हमारे जिलाधीश को कोई सूचना, न्यायालय को कोई सूचना दी, जनपद न्यायाधीश को, और न हमारे कार्यालय को ही सूचना दी, हमारे बार एसोसिएशन को। ऐसे में अधिवक्ताओं का आक्रोश और भी प्रबल होता जा रहा है और कल हमने निर्णय लिया है कि स्वयं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय का घेराव कर हम उनको जगाने का प्रयास करेंगे।